आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई जिंदगी के इस कार्यक्रम में इस सुबह। ठीक, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज आप और हम, मानव, हम सब एक कुश्ती के मैदान में हैं, एक रिंग में हैं, और हमारा जो अपोनेंट है वो है एडिक्शन। और आज हम कुश्ती लड़ने वाले हैं और हम जानेंगे कि कैसे हमें लड़ना है, क्योंकि अगर हम इस लत से नहीं लड़ेंगे तो ये लत हम पर हावी हो जाएगी और हमारे जीवन को बर्बाद कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये मल्लयुद्ध कॉम्बैट जो हैगा रेसलिंग, वो हमारा है एडिक्शन के द्वारा, एडिक्शन के विरुद्ध। मगर मज़े की बात यह है कि सामर्थ्य जो है मेरा और आपका नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके सामर्थ्य में कहाँ है वो वाली बात जो हम इसको हरा सकें। वो सामर्थ्य तो सिर्फ प्रभु से ही आता है। जी बिल्कुल। और इस युद्ध में कई चीज़ें होंगी जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप बताना चाहेंगे मानव की हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम इस युद्ध में जय जय पाएं। वाकई में इस युद्ध में मुझे तो लगता है तीन चीज़ों का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का वचन, प्रभु के साथ प्रार्थना और प्रभु के जनों का साथ। इन तीन चीज़ों को अगर हम लेकर रखें तो आई थिंक वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस कॉम्बैट। जी बिल्कुल दोस्तों, हमने जाना है कि जब हम वचन का इस्तेमाल करते हैं जो दोधारी तलवार है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मदद पाते हैं, परमेश्वर के जनों की संगति में हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं, तब हम इस युद्ध में ज़रूर जय पाएंगे। परमेश्वर हमें जय देगा और हमें जयवंत से बढ़कर बनाएगा। आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करें सैम डेविड से। बचपन में सैम की परवरिश ने उनके सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम को ख़त्म कर दिया था। अपनी पहचान और प्रेम की तलाश में सैम गलत संगत और एडिक्शंस में फंस गए थे। ये एडिक्शंस इनके शरीर, मन और आत्मा पर हावी हो रही थी। आइए दोस्तों, आज हम सैम से जानें कि उन्होंने कैसे अपने इस युद्ध में जय पाई। और ये सच्ची कहानी आपके लिए लद्दाख से लेकर आई है हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर नाडिया फिरोज। सैम डेविड कई रोल निभाते हैं, एक बीट बॉक्सर और एक म्यूजिशियन। सैम न केवल युवाओं के बीच काम करते हैं बल्कि अल्फा इंडिया मिनिस्ट्री में भी सेवा करते हैं। भारत और एशिया भर में चर्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि सैम का पहले का जीवन इनके इस जीवन से बहुत अलग था। मुझे दूसरे बच्चों से कंपेयर किया जाता था, खासकर मेरे ही घर में मेरे बड़े भाई से, जो हर चीज में अच्छा था। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा आत्मसम्मान कम होता जा रहा था। पर इसके अलावा मेरे घर में लगातार झगड़े होते रहते थे। मेरे माता पिता एक दूसरे से लड़ते रहते थे, वो अपनी शादी से खुश नहीं थे। मैंने अपनी माँ को बहुत संघर्ष करते देखा है। मैंने अपनी माँ को हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वाकई में कड़ी मेहनत करते देखा है। इसलिए मेरे दिल में एक बात आती थी कि मैं अपनी 12th क्लास की पढ़ाई पूरी करूं और फिर मैं कुछ काम करने के लायक बन जाऊं, और मैंने वही किया। मैंने 17 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और मैं अपनी कंपनी में सबसे कम उम्र वाला एम्प्लॉई था। सैम को मिली इस फाइनेंशियल आज़ादी की एक कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उन्हें यह एहसास भी नहीं था कि यह आज़ादी उन्हें एक अंधेरी गुफा में ले जा रही है। मैं बस यही चाहता था कि लोग मुझे अपनाएं, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। और अचानक मेरे हाथों में जूस के गिलास के बदले शराब का गिलास आ गया, वो भी बस लोगों के बीच फिट होने के लिए। और फिर मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और अपनी इन आदतों को सही ठहराने के लिए मेरे पास कोपिंग मैकेनिज्म के रूप में काम करने वाली बात ये थी कि मैं असल में किसी भी चीज में बहुत अच्छा नहीं हूँ, और इसी बात से भागने के लिए मुझे इन बाहरी गलत आदतों की मदद लेनी पड़ी और फिर इन्हीं चीजों की मुझे लत लग गई। पर जरूर एक बात बार बार मेरे जहन में आती थी, मुझ में जो इनसिक्योरिटी थी कि मैं कौन हूँ और परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है। जल्द ही उनकी नई लाइफस्टाइल ने उनकी सेहत पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। शराब और लगातार धूम्रपान ने उनके शरीर में कई ऑर्गन्स को बुरी तरह प्रभावित किया और उन्हें मुश्किल हालात में डाल दिया। मुझे इससे बाहर आने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। मैं सबसे नीचे गिर चुका था। एंड यू नो, मुझे याद है कि कोई मुझसे मिलने आया था। बहुत से लोग अस्पताल में मुझसे मिलने आते थे और एक आदमी ने मेरे तकिए के नीचे एक बाइबल रख दी।
और उन्होंने कहा कि जब तक तुम सब कुछ आजमा नहीं लेते उसके बाद ही इसे खोलकर देखना और तब तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। फिर मैंने उस बाइबल को खोला और मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन में पिता की कमी थी, वो पिता जो मुझसे कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो मेरी ताकत होते, मेरा सहारा बनते। और जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे एक ऐसा शख्स मिला जो बहुत दिलचस्प था, जिसने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर रचा है, मैं तुम्हारे लिए तरसता था, मैं तुम्हारा इंतजार करता था और मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। उसमें जो एक सबसे अच्छी बात कही गई थी वो ये थी कि मुझे पता है कि हम एक तूफान में हैं, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ इस नाव में हूँ। मैं इस शख्स से प्यार करने लगा और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं किस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूँ। वो एक पिता की तरह मेरे साथ खड़े रहे। उस बाइबल में मैंने जो कुछ भी पढ़ा उससे मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पता चला कि वो मेरे साथ हैं, और इससे बहुत सी चीजें बदल गईं, जिससे मुझे एक नया आत्मविश्वास मिला और मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है जो मुझे अभी ताकत दे रहा है। ये वो बदलाव था जब मैं अपने जीवन में सबसे नीचे था, सबसे कमजोर दौर में था। 3 हफ्ते बाद सैम फिर से डॉक्टर के पास गए। हालांकि इस बार सभी टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर हैरान थे। सरप्राइजिंगली, इससे पहले कि डॉक्टर मुझे बता पाते कि रिपोर्ट्स में क्या था, मैं पहले ही रोने लगा और डॉक्टर ने कहा कि सैम, तुम जानते हो कि हमने ये टेस्ट कई बार किए हैं, हमने तुम्हारे ऑर्गन्स की कई बार जांच की और हमें किसी भी बीमारी का कोई निशान नहीं मिला। मेरे फेफड़े साफ हो गए, मेरी किडनी साफ हो गई, मेरा खून, साथ ही मेरे प्लेटलेट काउंट्स बढ़ गए थे। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी बल्कि बड़ी बात थी जिसने मेरा जीवन बदल दिया। परमेश्वर ने सैम को एक नई शुरुआत दी। सैम शारीरिक रूप से ठीक हो गए और हर लत को छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनकी लत की खास वजह उनके जीवन में एक पिता के प्रेम की कमी को भी दूर कर दिया। ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह में एक पिता मिले। वो मेरे पिता हैं, वो मेरे राजा हैं। एक परिवार की पूरी तस्वीर जो मेरे लिए टूट गई थी, परमेश्वर ने वाकई उसे फिर से जोड़ दिया। परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी पत्नी दी। मैं अब 9 साल से क्लीन हूँ और हर दिन मेरी कहानी उनकी विश्वास योग्यता की गवाही है। उठते हुए तूफानों में। दोस्तों, हमने जाना कि कई बार हम अपनी लत में इतनी दूर निकल जाते हैं कि ऐसे लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है, वापस लौटना नामुमकिन लगता है, बिल्कुल सैम की तरह, है ना। लेकिन दोस्तों, हमने सैम के जीवन से देखा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जान लेते हैं, जो जगत की ज्योति है, वो हमारे अंधकार के जीवन में जो एडिक्शंस की वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं उनमें वो ज्योति बन करके आता है और हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। ठीक वैसे ही कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, प्रभु का कंट्रोल जब आता है तब वो चीज़ें जो हमारे सामर्थ्य से बाहर है, प्रभु के सामर्थ्य में वो चीज़ों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कॉम्बैटिंग एडिक्शन, नशे के साथ जूझना या मल युद्ध करना, तो एक बहुत बड़े सेनानी का नाम याद आता है, यीशु, जोशुआ। वो मोसेस का स्टूडेंट था, मोसेस से उसने सीखा था और अब वो पूरे इसराइल की कम्युनिटी को आगे ले जा रहा था, इसराइलाइट्स को आगे ले जा रहा था। और वो एक ऐसे मुकाम पे आता है, जेरिको नाम के एक शहर को देख रहा होता है जिसको उनको फतेह करनी होती है, जिसके ऊपर उनको विक्ट्री प्राप्त करनी होती है। और वो अब मिलिट्री का आदमी है, वो एक्सपीरियंस्ड वॉरियर है, कॉम्बैटेंट है। और जब वो शहर को देख रहा होता है उसी समय एक लंबा चौड़ा आदमी उसकी तरफ चलकर आता है और जोशुआ कहता है, सोचता है कि ये कहाँ से आ गया। उससे जोशुआ पूछता है, अरे तुम हमारी साइड के हो या दुश्मन की साइड के हो? तो वो कहता है कि मैं परमेश्वर की तरफ से आया हूँ, मैं परमेश्वर का आर्मी का कमांडर हूँ। तो एकदम से जोशुआ समझ जाता है कि ये तो कुछ डिवाइन वर्क हो रहा है वहाँ पर, और उससे पूछता है कि परमेश्वर मेरे से क्या कहना चाहता है। और वो जो था वो स्वर्गदूत था प्रभु का, और वो उसे कहता है कि जहाँ पर तुम खड़े हो वो एक पवित्र स्थल है। तो जोशुआ अपने चप्पलें उतार कर या फुटवेयर हटा कर एक तरीके से महिमा देता है उस स्थान को, स्थल को। और फिर उसके बाद जोशुआ को बोला जाता है
ये जेरिको तो जीत लिया गया है, तुम्हें तो बस जाकर 7 दिन उसमें फेरे मारने हैं और उस शहर के ऊपर फतेह प्राप्त करनी है। ये तो एक सत्य एक एपिसोड हुआ है जो बाइबल का हमें दिया गया है, और इसी प्रिंसिपल पर प्रभु हमारे साथ काम करता है। मुश्किल से मुश्किल, असंभव से असंभव चीज़ों को भी वो ढहा देता है, वो फतेह प्राप्त करता है। और मुझे और आपको बस एक दर्शक बन के रहना है, एक प्याला बन के रहना है जिसमें प्रभु अपने आप को उंडेलेगा और अपनी सामर्थ दिखाएगा। बेसिकली वी आर इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज हैंड, और हमें उसी तरीके से रहना है जैसे जोशुआ ने अपने आप को सौंपा था प्रभु को पूरी विक्ट्री के लिए। आज हम बात कर रहे हैं एडिक्शन के ऊपर, कैसे कॉम्बैट करें, कैसे विक्ट्री प्राप्त करें। देखिए प्रभु यीशु मसीह के क्या स्वर हैं, क्या वाणी है इसके बारे में। मत्ती 19:26 में प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उनकी ओर एकटक देखते हुए उन्हें उत्तर दिया, मनुष्य के लिए तो ये असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु बता रहे थे कि प्रभु के राज्य में आना, अगर इंसान अपने बूते पे जाएगा या अपने बूते से ट्राई करेगा तो वो असंभव है, मगर प्रभु के लिए वो संभव है। और ख़ास तौर से एडिक्शन की जब बात करते हैं, मेरे और आपके लिए उससे सामना करना, उससे बाहर निकलना असंभव है, क्योंकि बार बार हम गिरेंगे। हम अपने तरीके ट्राई कर सकते हैं, जैसे जोशुआ सोच रहा था कि जेरिको को कैसे फतेह प्राप्त करेगा, मगर वो फतेह प्रभु देता है। When we commit and submit ourselves to the Lord, जो इम्पॉसिबल चीज़ है लाइक एडिक्शन ऑल्सो, वो संभव हो जाती है टूटने की तरह जैसे जेरिको की दीवारें टूटी थी। प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन बताना चाहूँगा। आप अपने दोस्त ग्रुप में या रिश्तेदारों में किसी को एक अकाउंटेबल बनाएं, उनसे बातचीत करें, और प्रभु उनको भी इस्तेमाल करेगा आपसे बात करने के लिए। और दूसरी चीज़, प्रभु से प्रार्थना करें। जैसे जोशुआ ने वहाँ पर पहचान गया था कि प्रभु की मौजूदगी है, और उसने अपने चप्पले उतार के उन्हें आराधना दी थी। इन दोनों चीज़ों का करेंगे कि प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपने कोई करीबी से बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो आप ज़रूर फतेह प्राप्त करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि इस वचन को आज जाने की असंभव को संभव बनाने वाला प्रभु आपकी ज़िंदगी में भी संभवता लाए। तो दोस्तों, हमने जाना है कि ये जो हमारा युद्ध है हमारी एडिक्शंस के साथ, हमारी जो पूरी आदतें हैं जिन्होंने हमें घेर लिया है, इनके साथ इस पर हम जय पा सकते हैं। यस, बिकॉज विद मैन इट इज इम्पॉसिबल, बट विद गॉड एवरी थिंग इज पॉसिबल। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड एंड टू हिम हु बिलीव्स। तो दोस्तों, विश्वास करें, परमेश्वर के पास आएँ और मदद पाएँ। और अगर आप अपनी इन स्ट्रगल्स में काउंसिलिंग पाना चाहते हैं, काउंसलिंग से अगर आप हेल्प पाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers। दोस्तों, काउंसलिंग के साथ साथ प्रार्थनाएं बहुत ज़रूरी हैं, तो हम CBN पे आपका इंतज़ार करेंगे। कॉल करें आप, हम प्रार्थना करने के लिए आपके लिए इच्छुक हैं। नंबर है हमारा 99-10-40-10-10। तो काउंसलिंग और प्रेयर दोनों साथ मिलकर हम लोग करेंगे, ये हम आपका इंतजार करेंगे इस चीज़ के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद समय होगा कि आपने जो सवाल हम तक पहुंचाए हैं उनके जवाब हम देंगे, पर हम नहीं देंगे, हम परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से इन सवालों के जवाब देंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। क्या आप अपनी लत से लड़ रहे हैं? प्रार्थना में ताकत पाएं और अपने बच्चों को लत से सुरक्षित रखें। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम 14 और 24 सितंबर को 3 बजे CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पे लाइव जा रही है। आप अपने परिवार के साथ जरूर जुड़ें और परमेश्वर से प्रार्थना में सामर्थ और छुटकारा पाएं। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उस युद्ध के बारे में जो आपको और हमें लड़ना है। ठीक, क्योंकि अगर हम इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे और हमारी जो एडिक्शंस हैं वो हम पर हावी हो जाएंगी। तो हर वो बुराई जो हमारे जीवन पर हमें आती है और हमें तोड़ना चाहती है, उसे हमें लड़ना है, परमेश्वर की मदद से लड़ना है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर में ही हम जय पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम इस राह पे चलते हैं प्रभु के दिए गए रास्ते पर, काफ़ी सारे सवाल भी आते हैं, कभी कदार थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं,
हाँ विश्वास की बात भी करते हैं, थोड़ा सा अविश्वास भी होता है, तो क्यों ना हम इन सवालों को देखें। और हम अब बात कर रहे हैं कोई शक का। जी बिल्कुल दोस्तों, समय है कोई शक का। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस। और इसी तरह आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें, क्योंकि आपके सवालों से हम बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं आज का ये पहला सवाल। हमारे YouTube व्यूअर हमसे पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों है कि जब हम अपने एडिक्शन से स्ट्रगल करते हैं तो इस दौरान कई लोग आत्मिक बहाली को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, पर कई लोग आत्मिक बहाली को अनुभव नहीं कर पाते हैं? थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन काफ़ी डीप है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एडिक्शंस को लेकर नहीं है, जीवन में हर एक चीज़ को लेकर है। क्योंकि इस सवाल में एक गहराई की बात ये है कि हम लोग जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, हमारे लाइफ में ये चीज़ होनी चाहिए तभी ये चीज़ सही होगी, सक्सेस का परिभाषा ये है, तो इस वजह से सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है, मे बी मेरी परिभाषा से। और फिर हम प्रभु से सवाल करते हैं, प्रभु जी ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। एक देखते हैं प्रभु का वचन, और प्रभु का वचन हमें इस सवाल का जवाब देगा। प्रभु का वचन नीति वचन 3:5-6 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण कर सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। आपने प्रभु का वचन देखा प्रोवर्ब्स में, प्रोवर्ब्स 3 में बहुत साफ तरीके से एक प्रॉमिस दी है प्रभु ने, एक वाचा बनाई है कि जब हम अपनी समझ से नहीं, प्रभु की समझ से, प्रभु की टाइमलाइन से, प्रभु के हिसाब से, प्रभु के दिए गए रास्तों से, उस हिसाब से जब जिंदगी को बिताएंगे, प्रभु के दिए गए दर्शन से, उस हिसाब से जब जिंदगी को बिताएंगे, तब हमारी समझ बदलेगी। क्योंकि हम लोग की समझ बहुत ज़्यादा छोटी है, एक्सपीरियंस बेस्ड है हमारी, और दूसरों को देखकर होता है कि उस समझ से हम कहते हैं सक्सेस की परिभाषा सिर्फ यही है। मगर प्रभु मे बी ही इज नॉट आफ्टर द वर्ल्डली सक्सेस, बट ही वॉन्ट्स यू टू बी सक्सेसफुल इन सर्विंग हिम, सक्सेसफुल इन बींग फेथफुल, सक्सेसफुल इन बींग फ्रूटफुल। वो प्रभु के हिसाब से है, प्रभु के टाइमलाइन के हिसाब से है। तो इस सवाल का जवाब मैं यही कहूँगा कि आप प्रभु के ऊपर ध्यान लगाएं, प्रभु की टाइमिंग का वेट करें, उनके हिसाब से चलें, तब आप देखेंगे आत्मिक बहाली प्रभु के हिसाब से आएगी और वो पूर्णता लाएगी। तो सो आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब जो उनके आसपास लोग थे, जब वो अपनी पीड़ाएं प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते थे और वो उन्हें चंगा करते थे, ठीक करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि योर फेथ हैज मेड दी होल। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी विश्वास में आगे बढ़ेंगे, वचन का सहारा लेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की ओर नज़दीक आते जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे और सवाल हैं जिनके जवाब आप तलाश कर रहे हैं, शायद ये सवाल आपको बहुत बेचैन कर रहे हैं, तो आप इन सवालों को ज़रूर हम तक पहुंचाएं। और आप एक नई ज़िंदगी प्रेरणाई नंबर 9910404010 पर ये सवाल हमें भेज सकते हैं, या आप एपिसोड्स के जो कमेंट सेक्शन है, इसके लिए आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना वो वेपन है जो इस एडिक्शन की जंजीरों को तोड़ेगा। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने ₹50 का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। 4, 3 We shot for 5 days, this whole week in fact we've been shooting, and we shot 3 storytellers on Chroma, and that will later be keyed out and the backgrounds will be changed. I think it's been a great experience because there's a lot of good equipment here. There are talented people, skilled people who know what to do with it, who can use it well. There's a sound studio also attached with it, which most places don't have. I think there's enough space also where even if you need to prop up something or do a little indoor shoot, that can happen here, and I think all of it comes together really well.
वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के सामर्थ्य से हम हमारे जीवन में जो एडिक्शंस का आक्रमण होता है उस पर हम जय पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रभु का वचन भी बोलता है भजन संहिता 50:15 में कि अपने संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे बाहर निकालूंगा, तुझे योग्य बनाऊंगा कि तू मुझे महिमा दे सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति का और खास तौर से क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का। बलिदान के साथ जो प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया था, उस लहू की छींटे से हम लोग ने चंगाई प्राप्त करी है, सुरक्षा प्राप्त करी है, बहाली प्राप्त करी है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी जितनी भी नशे में लोग लत में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू से प्रभु जी आप उन्हें छुटकारा दें प्रभु, और वो एक नया जीवन प्राप्त कर सकें। ये सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। प्रियजनों, प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रार्थनाओं में टिके रहेंगे और प्रार्थनाओं के बूते ये लड़ाई एडिक्शन के अगेंस्ट जीतेंगे। जी दोस्तों, तभी शायद वचन कहता है कि प्रे विदाउट सीजिंग, हमें निरंतर प्रार्थना करनी है ताकि ये जो एडिक्शंस हैं, ये जो लतें हैं, जो बुराई इस दुनिया में हम देखते हैं कि हम पर हावी ना हो। अब समय है कि हम जानें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें क्या इंकरेजमेंट दे रहे हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मत्ती 11:28। दोस्तों, प्रभु ने एक आमंत्रण दिया है, उस जीवन का, शांति का जीवन। हो सकता है इस दुनिया में जो हमें शांति की अपेक्षा है वो शांति ना मिले, मगर प्रभु की जो शांति है वो इस दुनिया से परे है। और जो बोझ हमारे ऊपर इस दुनिया का जंजीरें हैं, लगी हैं, अलग अलग किस्म की प्रताड़नाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह उससे छुटकारा देगा और अपनी उपस्थिति की शांति देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन ने आपको आशीषित किया होगा। और इस वचन के बाद दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और हम सुनेंगे ये गीत, हाउ ग्रेट थाउ आर्ट। ये गीत हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर, हमारा महान राजा महान है, महान परमेश्वर है। आइए इस गीत को हम सुने जो आज हमारे लिए गा रही है सेंट पैट्रिक्स चर्च की कॉयर, जो बेंगलुरु से है, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टी। Oh.
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस गीत के लिए. आपने हमें याद दिलाया कि हमारा परमेश्वर हमारा महान राजा है और जब वो हमारे जीवन में है तो हम हर युद्ध पर जय पाएंगे. बिकॉज गॉड एंड वी टुगेदर फॉर्म अ विनिंग कॉम्बिनेशन. जी हाँ, दिस विनिंग कॉम्बिनेशन आज हमने देखा सैम डेविड की कहानी से. हमने प्रभु के वचन से देखा कि प्रभु की उपस्थिति हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे हम एडिक्शन को कॉम्बैट कर सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस एपिसोड से आपने प्रभु की उपस्थिति को आमंत्रित करा होगा, प्रभु से प्रार्थना करी होगी और आने वाले कल के बारे में विचार प्रभु के हाथ में छोड़ा होगा. मैं उम्मीद करता हूं इसने आपको आशीष दिया हो. दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और कल दोबारा आपसे हम मुलाकात कर रहे हैं, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें ताकि हम मिलकर कुछ नया सीखें और इस थीम को हम आगे बढ़ाएं. सो अंटिल टुमारो फ्रेंड्स, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू. नमस्कार.